Hi, this is Sarita and today I am going to teach you geography. First lesson of class 7, our environment. What is environment? Environment is the immediate surrounding in which something lives and exists. It is everything we see, feel and touch. The air we breathe, the water that covers most of the earth's surface, the plants and animals around us and much more. It affects our ability to live on the earth. Environment can be classified into two categories, natural environment and human environment. Environment को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, जो हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास चीजें हैं, जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जिसकी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पानी हमारे अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या एनिमल्स हैं, या हम ह्यूमन बींग्स जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं। एनवायरनमेंट जो है दो कैटेगरीज में बांटी गई हैं, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई है वरदान के तौर पे, और दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि हम इंसानों ने बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी हम पहले बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट पे। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक्स means having life, or we can also say as it's a living thing. It includes animals, plants and bacteria. Abiotics are non-living components. These are atmosphere, climate, land, rain, temperature and water. These are also known as physical components. These are support life on earth. Abiotic components are interdependent. अब नेचुरल एनवायरनमेंट में, पहले मैंने बताया कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें हमें प्रकृति ने जो चीज़ें दी हुई हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसे हम दो भाग में विभाजित करते हैं। एक तो है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। अब बायोटिक को आप कह सकते हैं जो जीवित चीज़ें हैं। बायोटिक में आता है जो जीवित चीज़ें हैं, उसमें पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स यानी कि छोटे कीट पतंगे या कीटाणु भी आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बट वो नेचुरल है, नॉट अ मैन मेड। वो इंसानों द्वारा बनाए हुए नहीं, जो कुदरत के द्वारा है, जो नेचुरल है और नॉन लिविंग में, मतलब जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। जैसे कि वो आ जाता है आपका क्लाइमेट, आपका जलवायु, ये लैंड सरफेस और वर्षा, पानी, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अबायोटिक में आती हैं, और इन दोनों की वजह से ही जीवन है वो इस पृथ्वी पर संभव है, और ये दोनों ही जीवन को सपोर्ट करते हैं। अब बात करेंगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ में, डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे। डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब है जिससे कि ये पृथ्वी बनती है, इस पृथ्वी को बनाने में चार चीज़ों का है योगदान है, देखते हैं। देयर आर फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इस पृथ्वी को बनाने में जो चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर, ठीक है। अब इन चारों से बन करके ये पृथ्वी बनती है। तो अब अगर हम बात करेंगे लिथोस्फीयर क्या है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, जो कि जमीन में पाई जाती है। इसमें आप मिट्टी, सॉइल, जहाँ से जड़ें निकलती है पौधों की, पेड़ों की जहाँ से जड़ें निकलती हैं वो होता है, और दूसरा है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। ये कम से कम पृथ्वी से 100 किलोमीटर
100 किलोमीटर अंदर डिगिंग करने पर पाए जाते हैं लिथोस्फीयर, वहाँ पर सॉलिड पार्ट्स होते हैं और इसी के साथ साथ वहाँ पर रॉक्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बात आते हैं ये, अब ये जानेंगे कि लिथोस्फीयर, व्हाई लिथोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर बात करेंगे महत्वपूर्णता की, तो लिथोस्फीयर मैन इज एबल टू ग्रो फूड एंड सर्वाइव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ ऑन द लिथोस्फीयर। इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर की वजह से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर हम जो है पेड़ पौधों की पैदावार करते हैं और इससे हमें जो भी अनाज, फल या सब्जियाँ प्राप्त होती हैं जिसे हम खा सकते हैं, और इसी की वजह से जंगल है लिथोस्फीयर की वजह से, और लिथोस्फीयर की वजह से ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर हमारे पशु ग्रासलैंड्स बोलेंगे तो मतलब की होता है जहाँ पर पशु जो है अपना चारा चरने जाते हैं, और ये सारी ज़मीनें जो कि एग्रीकल्चर के काम आती है और ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि पानी, जहाँ से हमें पानी मिलता है। हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे पानी पाए जाते हैं, पानी वो ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं और ज़मीन के ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, ऑन द लैंड सरफेस पर भी पॉसिबल होता है। अब अगर देखेंगे हमारा जो ये प्लैनेट अर्थ है, इस पे जो पानी के थ्री स्टेट्स बोले तो एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड में आता है बर्फ और लिक्विड में पानी, एज इट इज़ वाटर, एंड इन गैस इट इज़ द काइंड ऑफ अ वाटर वेपर। गैस में जो है वाटर वेपर यानी कि भाप में पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों ही स्टेट हैं पानी के जो कि हाइड्रोस्फीयर उस पर पाए जाते हैं। और ये पानी कहाँ मिल सकते हैं हमको, ये पानी मिल सकते हैं हमको ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, या फिर अंडर अर्थ, ठीक है, या फिर ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर, दोनों ही जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये पौधों में, इंसानों में, जानवरों में, मिट्टी पत्थरों में, हर जगह पाया जाता है। और अगर वेपर के रूप में देखा जाए, वाटर वेपर के रूप में, तो ये हवा में मॉइस्चर के रूप में पाया जाता है। वैसे तो 97% पानी जो है हमारे पृथ्वी का वो महासागर में है, उसके बाद जो 3% पानी जो बचा है वही फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 3/4 वाटर जो है वो सॉलिड है यानी कि वो बर्फ में कन्वर्टेड है या फिर बर्फ की परत में है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, है ना। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, वाटर इज वाइटल फॉर ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज, वाटर इज यूज टू ग्रो फूड, वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पानी तो बहुत ज़रूरी है हमें सर्वाइव करने के लिए, दूसरी बात जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको भी पानी चाहिए खाना बनाने के लिए और इसी के साथ साथ अनाज पैदा करने के लिए। दूसरी तरफ हमारा जो इंसानी शरीर है, इसमें भी 75% जो है वो पानी से बना हुआ है, पानी है, और वाटर जो है हमारी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगर आगे बात करते हैं तो पानी जो अर्थ का यानी कि पृथ्वी का जो क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंड वाले जो तापमान है उसको भी रेगुलर मतलब बराबर करने में भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, और इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक नीड्स में भी पानी का काम होता है। डोमेस्टिक नीड्स मतलब जो घर में हम काम करते हैं उसमें पानी का काम होता है, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, है ना। और इंडस्ट्रियल में भी इसके यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर का हर जगह यूज़ है। और उसके बाद बहुत बड़ा योगदान, जो बहुत बड़ी जो अगर ज़रूरत है इसकी, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को पैदा करने में भी पानी का महत्वपूर्ण रोल है। वाटरवेज
यानी कि जो वाटरवेज यानी कि जहाज़ वगैरह जो समुद्रों में चलती हैं, जो ओशंस में चलती हैं, ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है इसके ऊपर जो हवा है, जो पृथ्वी पर जो हवा पाई जाती है, ये आपके सराउंडिंग प्लैनेट के सराउंडिंग है। हमारे आसपास बिना हवा के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड अवर प्लैनेट क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डेंस, इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड अराउंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। द रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट इज कम्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। अब पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, इसमें 79% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है उसमें कुछ अदर गैसेस भी पाए जाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे भी बहुत सारे गैसेस हैं। अब इसका एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, या फिर हम ह्यूमन बीज, हम इंसान हो, सभी को सांस लेने की ज़रूरत है, और इस हवा से ही हम सांस लेते हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की वजह से ही आग को जलाने में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो है प्लांट्स करते हैं, वो अपने खाने को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसका यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट्स। ओजोन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशन। और ओजोन परत जो है वो सूरज की जो रेडिएशंस, जो किरणें हैं, जो हार्मफुल किरणें हैं, उनको पृथ्वी पे प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन परत। ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन, थस हेल्पिंग द अर्थ टू स्टे वार्म। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स एंड कॉजेज स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल। ये वेदर और क्लाइमेट यानी कि जलवायु और तापमान दोनों ही पैटर्न्स को अपने अपने तरीके से कंट्रोल में करती हैं, चाहे वो आंधी तूफान हो या फिर वर्षा हो। इसके बाद आता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोस्फेयर में आते हैं। बायोस्फेयर में लिविंग थिंग जितने भी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, पशु पक्षी हों, या फिर इंसान हो, या फिर छोटे छोटे कीट पतंगे या कीटाणु, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो बायोस्फेयर में आते हैं। बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ द एनवायरनमेंट विद वेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर एनवायरनमेंट के सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो, या फिर एटमॉस्फेयर, जिससे कि यहाँ पर जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट, यहीं पर जीवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ सॉइल विल हैव मिनरल मटेरियल फ्रॉम द लिथोस्फेयर। एडिशनली देयर विल बी एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फेयर प्रेजेंट एज मॉइस्चर विद इन द सॉइल एंड बायोस्फेयर एज इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स एंड इवन द एटमॉस्फेयर एट एज पॉकेट्स ऑफ द एयर बिटवीन सॉइल पीसेस। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मिट्टी, मिनरल मटेरियल यानी कि खनिज पदार्थ, मिट्टी खनिज पदार्थ, लिथोस्फेयर है ना, जो कि लिथोस्फेयर से पाया जाता है, और इसी के साथ साथ जितने भी हाइड्रोस्फेयर के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, मिट्टी में मॉइस्चर है या हवे में मॉइस्चर है ना, और पानी है, और उसके बाद जो बायोस्फेयर में आपके आते हैं कीट कीटाणु, पौधे है ना, यहाँ तक कि जो भी जानवर है, और एटमॉस्फेयर जो हवा के बीच में जो सॉइल के पीसेस, मिट्टी भी हवा में उड़ती रहती, तो वो भी चीज़ें सारी चीज़ों से मिल करके ये बायोस्फेयर बनता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अ पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स लाइव ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट सम टू लिव इन द हाइड्रोस्फेयर ओशंस वाइल अदर्स लिव इनसाइड द अर्थ लिथोस्फेयर। अब इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए बायोस्फेयर की, तो ये है कि जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, और जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े, सभी जो है वो बायोस्फेयर के ही पार्ट हैं, और इन सभी का जो जीवन है वो या तो
पृथ्वी के ऊपर है या पृथ्वी के अंदर है। कुछ ऐसे भी हैं जो हाइड्रोस्फेयर यानी कि ओशंस यानी कि पानी में भी रहते हैं, ओशंस में समुद्र में या फिर नदी तालाब में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पृथ्वी के अंदर जो लिथोस्फेयर है जहाँ पर मिट्टी और पत्थर और मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, जो लिथोस्फेयर में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो होते हैं सांप, बिच्छू, है ना, इस टाइप के जो भी होते हैं वो लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं। और हाइड्रोस्फेयर में जो पाए जाने वाले होते हैं वो होते हैं वेल, शार्क, टॉर्टोइस एंड अदर एक्सेट्रा एंड ओके। तो दैट्स फॉर इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट एट द इन द नेक्स्ट इन द पार्ट टू। Bye bye, take care all of you. If you like, please subscribe and like my channel.